जी के साथ जो है मिहिर दिवाकर ने, जो कि आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और सोम्या जो कि दूसरी डायरेक्टर है, इन लोगों ने धोखाधड़ी किया है और धोनी को गलत ढंग से जो है आर्थिक क्षति पहुंचाया है, जिसके चलते मजबूर होकर के उनको क्रिमिनल केस करना पड़ा। मामला यह है कि इन लोगों ने 2017 में धोनी जी को अप्रोच किया रांची में और बताया कि हम आपके नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, और इसमें जो है सो हम लोग जो है आपको जो फ्रेंचाइजी फीस होता है ये सारा का सारा देंगे। धोनी जी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें जो है अथॉरिटी दे दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी नीयत बदल गई और वो जो है न कोई जानकारी देते थे, न कोई इनको पैसा देते थे एज पर एग्रीमेंट, और सभी जगह जो है इनके नाम से जो है खोल रहे थे एमएस क्रिकेट एकेडमी। जब धोनी जी को पता चला तो उन्होंने 15/8/2021 को अपना जो अथॉरिटी था उसको रिवोक कर लिया। उसके बावजूद ये कम से कम हमारी जानकारी के अनुसार 8-10 जगहों पर इन्होंने एमएस धोनी के नाम पर एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी खोला जो है। तो फिर हम लोगों ने इनको नोटिस भी भेजा, नोटिस के बावजूद ये अपने जो गलत ढंग से सुधर नहीं रहे थे और आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे, हमारे अनुमान के अनुसार आज के तारीख में 15 करोड़ से ऊपर का जो है गलत ढंग से आर्थिक नुकसान जो है धोनी जी को पहुंचाया। तो मजबूर हो गए हम लोगों को यहाँ के सक्षम निवाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर रांची में केस फाइल करना पड़ा, जिसकी आज जो है तारीख थी। आज जो है उनके ऑथराइज पर्सन सीमांत लोहानी जी ने आज सोलेमन इन्फॉर्मेशन ऑन ओथ दिया है और अगली तारीख जो है ये 20/1/2024 को लगी हुई। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है पूरे अकेडमी चलाने के लिए और ग्लोबल अकेडमी चलाने के लिए। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, ये एमएस धोनी के लेटर हेड पे है और ये नीचे एमएस धोनी साइन है। एमएस धोनी जो ऑटोग्राफ करते हैं वो अलग साइन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं वो अलग साइन करते हैं। तो ये उनका और पूरे सब कुछ के लिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पेज का एक ये पेपर है जी। और ये पेपर मैं आपको भेज भी दूंगा तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं जी। यही यही मेरे पास एक सिंगल पेपर है बस पूरे अकेडमी के लिए। मैंने जितने एग्रीमेंट के लिए मैंने उनको बोला, मैंने दिया, उन्होंने साइन करके मुझे दिए नहीं। कितनी अकेडमीज खुली इस एग्रीमेंट जो आपको एक पेज आप दिखा रहे हैं मुझे, इसके अकॉर्डिंग कितनी खोलनी अकेडमी खोलनी थी? और जो 15 करोड़ का नुकसान आखिर वो कह रहे हैं, वो फिर ऐसा देखिए बड़े खिलाड़ी हैं वो, अगर 15 करोड़ कह रहे हैं या उनके पास भी डॉक्यूमेंट होंगे, देखिए हालांकि उनकी टीम से हम बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे, तो ये दिक्कत शुरू कहाँ से हुई? कितनी अकेडमीज खोलनी थी, कहाँ पे अकेडमीज हैं अभी चल रही हैं? मैंने उनको जो हमारी बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि हमें 100 अकेडमी खोलने हैं जी। और हम 50 अकेडमी पहुंच चुके थे साइन करके ऑन पेपर, 50 पे चल गए, पहुंच गए थे और 15 से 20 अकेडमीज ऑपरेशनल हो गई थी जी। तो 100 अकेडमी मुझे खोलना इसलिए था कि जो 15-20 अकेडमी जो पहले चल रही थी तो यहाँ पे ये अकेडमी प्रॉफिट पे नहीं थी, क्योंकि इनिशियली हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था हर चीजों में, मार्केटिंग में करना पड़ रहा था, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉयज थे, सेल्स की टीम थी। तो मुझे था कि मैंने उनको बोला था कि ये 50 अकेडमी जिस दिन ऑपरेशनल हो जाएगी उसी दिन ये अकेडमी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और मेरा टारगेट था कि मैं 100 अकेडमी इंडिया में खोलूंगा और उसके बाद फिर अच्छा इंडिया के बाहर भी अकेडमी खुली, सिंगापुर में खुली, दुबई में खुली, आपके कतर में खुली, इंडिया में आप लगा लें तो आपके अमृतसर, श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, फिर इंदौर, मतलब काफी जगह खुलती थी। साउथ में फिर आप चले अहमदाबाद था, हैदराबाद था, आपको छत्तीसगढ़ में था, बहुत बहुत सारी जगह अकेडमी ऑपरेशनल हो गई थी जी। तो ये चीजें जब आई कि इस अच्छा अभी 15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 15 करोड़ का लॉस हुआ है जी। तो 15 करोड़ का लॉस तो अकेडमी अगर प्रॉफिटेबल होती, क्योंकि मैं इनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी मैं शेयर करता था okay. कितनी अकेडमी खुली, ये रेवेन्यू आया, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। 2017 में पहला साइन हुआ 18-19 3 साल और उसके बाद कोविड का पीरियड आया जी। 2 साल कोविड का पीरियड आया और इस कोविड के पीरियड में
इन लोग का एक्सपेक्टेशन हमको मुझे पता नहीं था। और इस बीच में ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं दिए एमएस धोनी को क्रिकेट अकेडमी के नाम पे, क्रिकेट अकेडमी के नाम पे हमने 1 करोड़ रुपया से ज्यादा उनको पैसा दिया है। जब क्रिकेट अकेडमी लॉस में है उसके बाद भी हमने 1 करोड़ रुपया उनको दिया हुआ है ऑन पेपर। अब तो उन्होंने उन्होंने इसको मीडिया पे लेके आ गए हैं कि अगर वो बात होती आपस में बात होती या उसकी चीजें होती या फिर कोर्ट में भी जाते तो कोर्ट में जाते और ये मीडिया ट्रायल नहीं कराते तो एक तो अलग था। अब तो क्या, अब तो मेरे पास उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, तो मैं भी लीगली मूव कर रहा हूँ, टीम मेरी काम कर रही है, इसको प्रोसेस कर रहे हैं कि चीजें आप कैसे करें, क्योंकि जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ है, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि मिहिर दिवाकर ने गलत किया है, जो सजा कोर्ट देगी मैं बिल्कुल रेडी हूँ।